हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लब ऑफ बुक्स। पेपर नंबर 4 एथिक्स का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले के 3 वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? एथिकल डिलेमा पढ़ने वाले। एथिकल डिलेमा क्या होता है एग्जैक्टली? ये जो फॉन्ट्स है अगर विजिबल है तो आप वीडियो पॉज करके जो भी लिखा हुआ है एक बार आप रीड कर लीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा जो मैं बता रही हूँ। एथिकल डिलेमा क्या होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में नैतिक दुविधा। एंड एथिकल, ये जो डेफिनेशन मैं बता रही हूँ ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एज इट इज पूछी जा सकती है एग्जाम में। जो 3 मार्कर्स होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एथिकल डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा क्या है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगी। An ethical dilemma is a situation in which a person has to choose one among the two opposite but morally correct options. क्या होता है ethical dilemma? कि आप अगर public servant है, आपके सामने ऐसी conditions आ सकती है जब आपको दो चीज़ों में से एक को चुनना है but आपके हिसाब से वो दोनों ही सही है, तो आपको ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटना है, कैसे सोल्यूशन ढूंढना है ऐसे सिचुएशन का, तो इसमें ये आप पढ़ेंगे एथिकल डिलेमास में। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक लड़की के बारे में केस स्टडीज जो है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो जो भी केस स्टडीज आती है आप उनको ध्यान से पढ़ें और आंसर देखने की बजाय खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें अगर उसमें क्वेश्चंस दिए हुए तो। ठीक है, एक लड़की है एंजेला नाम की, जो बहुत स्मार्ट टैलेंटेड और यंग आईएएस ऑफिसर है। एक जगह पे वो पोस्टेड होती है अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यंग एंड बैचलर एमएलए। अब वहां का जो एमएलए है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पोस्टेड है आईएएस ऑफिसर एंजेला, वहां का जो एमएलए है वो यंग है और बैचलर है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो सीएम भी बन सकता है। मोस्ट ओपिनियन पोल सर्विस हैव प्रेडिक्टेड दैट हिज पार्टी वुड कम टू पावर। अब वो एमएलए भी है, उसकी सीएम बनने के चांसेस भी है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एमएलए है वो बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अगर कोई उसे कांटेक्ट में रहता है तो ऑब्वियसली उसको भी बेनिफिट मिलेगा। एंजेला इज नाउ मैरिड टू एन आईपीएस ऑफिसर। अब जो एंजेला है आईएएस, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है एमएलए की, वो मैरिड है किससे? एक आईपीएस ऑफिसर से, और जो अलग पोस्टेड है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं। द यंग एमएलए वॉज इम्प्रेस्ड बाय पर्सनैलिटी एंड वर्क ऑफ एंजेला। अब जो यंग एमएलए है वो एंजेला की पर्सनैलिटी और उसके काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है फर्स्ट मीटिंग में ही। तो आप पहली मीटिंग के बाद उसको ही ऑफर्स हैज अ पोजिशन। अब वो चाहता है कि वो सीएम ऑफिस में कोई अच्छी पोजिशन पे आए अगर वो एमएलए सीएम बनता है तो। पर एंजेला जो है वो मना कर देती है, वो कहती है कि वो फील्ड में ही वर्क करना चाहती है, वो सीएम ऑफिस में काम नहीं करना चाहती है। However, the meeting ends cordially and the young MLA is more impressed about her. अब जैसे ही मीटिंग खत्म होती, फर्स्ट मीटिंग, तो यंग MLA जो है वो एंजेला से और ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है कि भाई ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है और अपने काम पे ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, अब वो उसको जो MLA है वो उसको पर्सनल नंबर दे देता है और वो कहता है कि आप टच में रहे हमेशा, जब भी कुछ काम रहे या कोई भी बात हो तो आप टच में रहे। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ चैट ही स्टार्टेड सिग्नलिंग दैट ही हिज अफेक्शन फॉर आर। अब यंग एमएलए जो है उसको सिग्नल देता है कि भैया वो उसके लिए कुछ अफेक्शन रखता है। पर एंजेला क्या है, इस टाइम पे मैरिड है, दो शी लव्स हर हस्बैंड कीप्स हर फ्रीक्वेंट चैट्स विद एमएलए। अब क्या होता है कि एंजेला जो है एमएलए को एकदम मना नहीं कर सकती क्योंकि उस पोजीशन पे है वो एमएलए की। एंजेला उसको नहीं कह सकती कि आप मुझसे बात ना करें या जो भी बातें हैं, तो थोड़ी बहुत बात उसकी होती रहती है। द प्रॉब्लम इज शी टू इज स्टंग बाय द चार्म ऑफ यंग एमएलए बट शी इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल्स स्टेप फ्रॉम हर साइड एंड मेंटेन्स अ सेफ डिस्टेंस। हालांकि वो एमएलए जो था वो इम्प्रेसिव था, एंजेला भी उससे इम्प्रेस हो जाती है, बट वो जानती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर वो कोई गलत कदम उठाती है, तो इसीलिए वो सेफ डिस्टेंस रखती है हमेशा उस एमएलए से। Meanwhile, the elections get over and the young MLA is now the CM of state. अब क्या होता है, इलेक्शन ओवर हो जाते हैं और जो MLA है वो CM बन जाता है। ही अगेन सेंड्स हिज ऑफर टू ज्वाइन CM ऑफिस। अब वो एंजेला से फिर से ऑफर देता है कि भैया तुम CM ऑफिस ज्वाइन कर लो।
शी डिस्कसेस द ऑफर विद हर हस्बैंड बट शी रिफ्रेन्स फ्रॉम डिस्कसिंग अबाउट चैट शी फ्रिक्वेंटली हैड विद द एमएलए. अब इस टाइम पे जो उसको ऑब्वियसली अपने हस्बैंड से एक बार डिस्कस करना होगा कि वो ऐसा उसको ऑफर मिला है पर्टिकुलर की सीएम ऑफिस में वो ज्वाइन करे, तो वो ये अपने हस्बैंड से शेयर करती, बट ये शेयर नहीं करती कि उसकी फ्रीक्वेंट चैट्स होती है उस यंग एमएलए से. हर हस्बैंड आस्क हर टू टेक हर ओन डिसीजन. अब आईपीएस और आईएएस इतने एबल होते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, तो उसका जो हस्बैंड है वो उससे कहते हैं कि भैया तुम अगर तुमको लगता है कि तुमको ज्वाइन करना चाहिए तो तुम करो, या जो भी चीज़ तुम डिसाइड करना चाहती हो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हो, ठीक है. पर तुमको क्या याद रखना है, फैमिली और प्रोफेशनल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो ध्यान में रखकर तुमको ज्वाइन करना है. अब इस टाइम पे व्हाट शुड एंजेला डू नोइंग द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द न्यू ऑफर, इट इज अ सिचुएशन ऑफ मॉरल डिलेमा. अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको पता है कि क्या है, वो मैरिड है, एमएलए उसके उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है, और वो उसने अपने हस्बैंड से बात भी छुपाई है कि उसकी चैट होती रहती, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एंजेला को, तो आपको बताना है कि ये क्या करना चाहिए. देखिए, हियर एंजेला शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. शी हैज टू डिसाइड वेदर टू टेक पोजीशन इन सीएमओ और नॉट. अब सीएमओ में उसको पोजीशन लेना है कि नहीं, ये उसको अपने हिसाब से डिसाइड करना है. यहाँ पर केस स्टडी सॉल्व करके दी हुई है मैंने, तो आप जो है वो अपने बेसिस पे भी जो भी आप रीज़न देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैं रीज़न दे रही हूँ उसको भी ध्यान से सुने. इन माई ओपिनियन शी शुड नॉट लेट हर प्रोफेशनल करियर गेटिंग मिक्स्ड इन हर पर्सनल लाइफ. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसका प्रोफेशनल करियर है, वो आईएएस है, उसको जहाँ पर भी ज्वाइन करना है, जहाँ पर भी वर्क कर रही है, वो एज एन आईएएस ऑफिसर वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है उसका एमएलए के साथ वो काइंड ऑफ पर्सनल हो रहा है, तो उसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए. शी शुड टेल द सीएम, जो अर्लियर एमएलए था उसको सीएम को बता देना चाहिए कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है. क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मेरिट पे बेस्ड नहीं है. मेरिट पे अगर बेस्ड होता तो वो डेफिनेटली उस ऑफर को एक्सेप्ट करती, पर यहाँ पर पर्सनल रिलेशंस पे इसको ये ऑफर किया जा रहा है. ऑल्सो इट इज़ बेटर टू हैव ग्रास रूट एक्सपीरियंस बिफोर मूविंग अप. अब सी एम को वो डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकती, पर क्या उसका बेसिस होगा मना करने का कि वो सी एम से कह सकती कि वो ग्रास रूट एक्सपीरियंस चाहती है और एक लेडर पर चढ़ना चाहती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. सेकेंड थिंग क्या है कि शी शुड हैव अ क्लियर कॉन्वर्सेशन विद हर हस्बैंड एंड शी शुड टेल द ट्रूथ दैट शी हैज हैड चैटेड विद द एमएलए. अब यहाँ पर उसको अपने हस्बैंड को क्लियरली बता देना चाहिए कि उसने एमएलए से भी चैट की है, थोड़ी जो बातें हुई है वो उसको हस्बैंड को क्लियर कर देना चाहिए. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि चैटिंग विद समवन इज नॉट बैड बट हाइडिंग इट कैन हैव बैड इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिली लाइफ इन कमिंग ईयर्स एज हाइडिंग लीड्स टू ट्रस्ट डेफिसिट. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चैटिंग, अब आमतौर पर ऐसी पोजीशन पर रहना जहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो किसी से चैट करना बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात क्या है, आपको छुपाना अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से छुपाना बुरी बात है. तो यहाँ पर क्या आउटकम निकल के आता है कि अगर आपको पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस्ड अगर कोई ऑफर किया जाता है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है. ऐसा इस तरीके से आपको निकलना है, फर्स्ट जो डिलेमा है आपके सामने. सेकेंड क्या है, आपको पूरा क्लियर कॉन्वर्सेशन करना है अपने हस्बैंड से और उनको बताना है कि ये क्या उनको ऑफर हुआ था या क्या उनसे बातें हुई थी जो एमएलए है जो पहले सॉरी जो सीएम है जो पहले एमएलए थे उनसे क्या बातें हुई है और फ्रीक्वेंट चैट भी हुई है. तो ये क्या होगा, आपकी जो क्लैरिटी है आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी बचाएगा और आपकी पर्सनल लाइफ को भी बचाएगा. इस तरीके के बहुत सारे आपको जो केस स्टडीज़ है वो पढ़ना है. तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है और गुड लक, आगे भी प्रिपेयर करते रहिए. और इसके बाद थोड़े टाइम बाद आएगा जो एथिक्स पे वीडियो है, लेकिन जो सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ लाइव वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए और पढ़ते रहिए.